हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसु तो वारिसु फिल्म का जो तमिल वर्जन है साथ ही में तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी जो डब्ड वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं वारिसो जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पे डी ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पे डी पेली हरी और आशीसो सोलोम ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा पी वी पी सिनेमा के नीचे इस फिल्म को दो सौ करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से ऑन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जॉय मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थड़ानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड है योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त आसमुग नाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हरसू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गीस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिषा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हुए विजय की छाछवी फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर पर तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ छब्बीस सेप्टेम्बर दो को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पर बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसी पैडी पेली इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिल प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेडी के लिखिए थोला फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म में से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीजें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वंशी पैडी पेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और आसुर, आसुर, सोलोमन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गन ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीजें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहाँ से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिश्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शाम योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था छः अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में से क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोई कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा का समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रेक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपति विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वहा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्रन सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली क्या है और उसको सोल्व कैसे करते सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर हैं उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीज़ों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी थे वो काफी बढ़िया थे आपको भी काफ़ी हैंडल किया हुआ था साम संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन है उसको अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व में राइटिंग की गई थी खासकर देखा जाए तो सर का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफेक्स है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नजर आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमानसिस का एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी सबसे अच्छी तरह से सेट काफ़ी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेके वही रूटीन वे में चीज़ों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते हैं फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिसम फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पे इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छः करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टी वी के सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पर काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया उसके बाद में सेकंड डे के ऊपर फिल्म ने और जंप लिया थर्ड डे के ऊपर फिल्म और बेहतर में करती हुई नजर आई वीकेंड एक हेल्दी हासिल किया उसके बाद में इस फिल्म ने एक थोड़ा लंबा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेक लेने में ये फिल्म कामयाब हुई अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो उससे पहले बता दो फिल्म ने करीब दो 200 करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे 300 करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन रहा है जो 2023 के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्में आई है उसमें ये करीबन सेकंड सेकंडस्ट ग्रोसिंग शामिल हुई है वहीं पर हाई सेवंथ हाइस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुई है वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई है तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अब बात करें ओ टी राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहां पे उन्होंने सैटेलाइट राइट्स है टीवी को बेचे हुए ओटीटी राइट्स Amazon प्राइम वीडियो को बेचे हुए जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू, मलयालम कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में सॉरी सो, सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिशू जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पे डी ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पे डी पेली हरी और आशीसो सोलोमोन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए

अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ जो है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड है योगी बाबू ने किचा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सनमुगनाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो आद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया, दिया, दिया गया था का हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हार्सू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मीम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गिस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिषा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं विजय की छाछवी फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर तो पर तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ छब्बीस सेप्टेम्बर दो को अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था पाइडी पेली यानी कि वामसी पा डी पेली फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिलराजू प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेडी के लिखी थोला फिल्म फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म में से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीजें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वंशी पैडीपेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है और असुर, असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गन ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो 2021 में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन, उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिश्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शाम योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में सी क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा का समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस बाईस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस टी आर ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है की पोनो गाने को निरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वाथ वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्र सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर नजर आते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी बढ़िया थे वन अच्छी तरह से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वहीं पे जिस तरह से सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफ़ी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीज़ों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में बहुत को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी सीन्स थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था सरद श्रीकांत श्याम संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो, फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रिडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन्स थे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पोअर वे में राइटिंग की गई थी खास देखा जाए तो प्रकाश का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वे है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन से इसका एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स का ट्रोन की सेट किए का विजय के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लग के वही रूटीन वे में चीज़ों को सेफ गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिस या वारा सोडू, ये फिल्म एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशन सभी चीजें देखने को मिलेगी तो यह एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हां रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टी वी के ओ टी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया उसके बाद में सेकंड डे के ऊपर में में टेक लेने में ओटी टी सैटेलाइट राइट के ऊपर तो उससे पहले बता दो फिल्म ने करीबन दो करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे तीन करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन रहा है जो दो के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्म आई है उसमें ये करीबन सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पर सेवंथ हाईएस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पांस मिला था अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है वो सन टी को बेचे हुए ओ टी टी राइड्स अमेजॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा ते... तमिल वर्जन में सॉरी सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिशो जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पे डी ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पेडीपेली हरी और आशीसो सोलोमोन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए

अनिल थड़ानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर

वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सनमुगनाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो आद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हार्सू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मीम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गिस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिषा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं विजय की छाछवी फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर तो पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ 26 सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि पैडी पेली यानी कि वाम वामसी पैडी इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिलराजू प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डिरेक्टर वाम से पेडी के लिखी थोला उनके बाद ये दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म में मेकर से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज़ करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीज़ें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफ़ी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी हमसे पहली पहली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गन ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शामिल योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में सी क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए है। हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा का समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस बाईस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस टी आर ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को निरुद्ध रविचंदर और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वाथ लेवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्र सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे हैं जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली इश्यू क्या है और उसको सोल्व कैसे करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बना आती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी बढ़िया थे वन लाइन अस अच्छी तरह से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रैक्टिव था वहीं पर जिस तरह से सेंटीमेंट सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीजों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में बखूबी काम किया हुआ है जहाँ पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी सीन थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था सरद श्रीकांत श्याम संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो, फिल्म की की जो कहानी है वो है वो वही रूटीन उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व वे में राइटिंग की गई थी खास करके देखा जाए तो प्रकाश रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदाना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज फिल्म का वेफेक्स है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफी मैग्निफिशेंट नजर आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीजों को तैयार किया होता है नजर आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीजों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन से इसका एक टॉप नोच परफॉर्मेंस देख को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफ़ी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से सेलिवेट किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फार्मूला बेस्ड स्टोरी लेके व वही रूटीन वे में चीज़ों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते तो फिल्म और बेहतर हो हो सकती थी ओवरऑल वारिस या वारासोड़ू यह फिल्म एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशंस सभी चीजें देखने को मिलेगी तो एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था 11 जनवरी दो

सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पे इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छः करोड़ में बेचे गए थे वहीं पे ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टी के की ओ सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पर काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया उसके बाद में सेकंड डे के ऊपर फिल्म ने और जंप लिया थर्ड डे के ऊपर ओ टी टी सैटेलाइट राइट के ऊपर तो बता दो फिल्म ने करीबन दो करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे तीन करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म का ग्रोथ कलेक्शन रहा है जो दो के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्में आई है उसमें ये करीबन हाईएस्ट

तेलुगु मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा ते... तमिल वर्जन में सॉरी सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज़ के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिस जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पे डी ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पे डी पेली हरी और आशीसो सोलोमन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए

अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासे रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड है योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सन्मुग देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो आद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हार्सू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गिस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिषा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं विजय की छाछवी फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ 26 सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि पाइडी पेली यानी कि वाम पाइडी पेली इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिल प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डिरेक्टर वाम पेडी के लिखी थोला के बाद ये दूसरी फ़िल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म में मेकर से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीज़ें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफ़ी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी हमसे पहली पहली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और असुर, असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गन ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने मिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो फिल्मानीस में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बात इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिश्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शामिल ोगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था छह अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में से क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज्यादा समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लद्दाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कम्प्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस बाईस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजयी यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर यानी कि एस टी आर ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंदर और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको पर उस गानों के तौर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्र सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आ है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली फेमिली क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर आते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी काफी बढ़िया थे वन अच्छी तरह तरह से से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस था वहीं पे जिस सेंटिमेंट सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी भी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीजों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहाँ पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी सीन थे वो काफ़ी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था सरद श्रीकांत श्याम संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रिडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन्स थे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफ़ी पूर्व में राइटिंग की गई थी खास देखा जाए तो प्रकाश का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफेक्स है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्नीफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस इसका एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स का ट्रोन अच्छी, अच्छी से पॉपुलर भी बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लग के वही रूटीन वे में चीजों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिस या वारासू ये फिल्म एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशंस सभी चीजें देखने को मिलेगी तो ये एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हां रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थियेट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो ओ टी वी के ओ सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया उसके बाद हिट में में का टेक लेने में ये फिल्म हुई। अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट के ऊपर बता दो फिल्म ने करीबन दो करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे तीन करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन रहा है जो दो के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्म आई है उसमें ये करीबन सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पर सेवंथ हाईएस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई है तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अब बात करें ओ टी टी की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है सन टी को बेचे हुए ओ टी टी राइड्स प्राइम वीडियो को बेचे हुए है जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में सॉरी सो, सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज़ के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस बाईस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट से लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजीता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है तलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वहा थलेवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्ल्यू एस और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पाँच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको सिर्फ उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिमोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहां पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तो, तीसरे का नाम है विजय राजेंद्रन सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली इश्यू क्या है और उसको सोल्व कैसे करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं उनकी एक्टिंग काफ़ी 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 थी डांस पंच पंच डांसेस मूव्स अच्छे थे डायलॉग काफी बढ़िया थे वन लाइन अस अच्छी तरह से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वहीं पर जिस तरह से सेंटिमेंट सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल

सीन से उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व में राइटिंग की गई थी खास करके देखा जाए तो प्रकाश प्रकाशarkar रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदाना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफ है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन से इसका एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर जो फिल्म का था, जो फिल्म की थी, अच्छी, बैकग्राउंड अच्छी से जिस स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लग के वही रूटीन वे में चीजों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते हैं फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिस या वारास फिल्म एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशंस सभी चीजें देखने को मिलेगी तो यह एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टी वी के ओ टी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन

सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पर सेवंथ हाईएस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पांस मिला था अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है सन टी को बेचे हुए ओ राइट्स टी राइड्स अमेजोन प्राइम वीडियो को बेचे हुए वारिस जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडीपेली ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पेडीपेली हरी और आशीसो सोलमन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कम्पोज किए हुए okay म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमाज और पीवीपी सिनेमाज के नीचे इस फिल्म को 200 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से ऑन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जैंट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थड़ानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड है योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त आसमोगनाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ, हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को, को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हर्षू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गीस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिशा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते विजय की छाछठ फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ 26 सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसी पैडी पेली फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिलराजू प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डिरेक्टर वामसी पेडी के की थोला

और असुर, असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गर ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीजें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ये एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहाँ से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिश्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शाम योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में से क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापिस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा का समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पे भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रेक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है थी तलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने या हुआ है वहालैवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमनेश और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको सिर्फ उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजयी राजेंद्र सॉरी विजय राजेंद्र जो विजयी रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली इश्यू क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बना आती है विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर आते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी बढ़िया थे वन लाइन अस अच्छी तरह से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रैक्टिव था वहीं पे

फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो, फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रेडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी अननेसे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्वे में राइटिंग की गई थी खास करके देखा जाए तो प्रकाश रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदाना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफेक्स है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है हर एक फ्रेम काफी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीजों को तैयार किया होता एक फेस्टिव वाइब देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन से इसका एक टॉप नोच परफॉर्मेंस देख को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफ़ी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फार्मूला बेस्ड स्टोरी लग के वही रूटीन वे में चीजों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिसू या वारासोड़ू यह फिल्म एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशंस सभी चीजें देखने को मिलेगी तो एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था 11 जनवरी दो

सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छः करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो ओ टी वी के ओ टी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पर काफी ताबड़ कलेक्शन किया उसके बाद में सेकंड डे के ऊपर फिल्म ने और जंप लिया थर्ड डे के ऊपर फिल्म फिल्म और और बेहतर वे में 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 करती हुई नजर आई वीकेंड एक एक हेल्दी हासिल किया उसके बाद में इस फिल्म ने एक थोड़ा लंबा रन लिया बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेक लेने में ये फिल्म कामयाब हुई अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट के ऊपर तो उससे पहले बता दो फिल्म ने करीबन दो सौ करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे तीन सौ करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म का ग्रोथ कलेक्शन रहा है जो दो हजार तेईस के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्में आई है उसमें ये करीबन सेकंड हाईएस्ट इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पे है सेवंथ हाइस्ट भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई है तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अब बात करें ओ सैटेलाइट राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है वो सन टी को बेचे हुए ओ राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे हुए है जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा ते... तमिल वर्जन में सॉरी सो, सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिशो जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडीपेली ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पेडीपेली हरी और आशीसो सोलमोन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कम्पोज किए हुए म्यूजिक के राइट टी सीरीज के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा और पी वी पी सिनेमा के नीचे इस फिल्म को दो करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से स्क्रीन स्टूडियो रेड जॉइट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सनमुगनाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हर्षू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गीस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिशा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं विजय की छाछठ फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्सटी के साथ छब्बीस सेप्टेम्बर दो को अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसे पैडी पेली इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिलराजू प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डायरेक्टर वामसे पेडी के की थोला फिल्म फिल के बाद ये दूसरी फ़िल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म में मेकर्स से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पर रिलीज़ करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीज़ें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफ़ी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वमसी पैडी पेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गन ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया अब उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन, उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शामिल योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था छः अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में सी क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए है। हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग, अलग लोकेशन, लडाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कम्प्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रेक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिसको के एस चित्रा ने गाया हुआ है की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने हुआ है वहालैवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको सिर्फ उस गानों के तौर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्र सॉरी विजय विजय जो रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े चल रहे जिस वजह से से वो फैमिली दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कुछ ऐसी चीजें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीजें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आ है पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली फेमिली क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नज़र आते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी बढ़िया थे वन अच्छी तरह से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी था वहीं पे जिस तरह से सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीज़ों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था सरद श्रीकांत श्याम संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है हाँ, फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो, फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रिडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन्स थे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व में राइटिंग की गई थी खासकर देखा जाए तो प्रकाश का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदाना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफेक्स है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता एक फेस्टिव वाइब देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस इसका एक अपनोज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से लिवेट किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फार्मूला बेस्ड स्टोरी लग के वही रूटीन वे में चीज़ों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिसू या वारा ये फिल्म एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशंस सभी चीजें देखने को मिलेगी तो यह एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइड्स जो टीवी की ओटी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया उसके बाद हिट का टेक करेंटेलाइट राइट्स के ऊपर बता दो फिल्म ने करीबन दो सौ करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे तीन सौ करोड़ से ज्यादा का फिल्म OTT, उपर, तो फिल्म के के इस फिल्म का ग्रोथ कलेक्शन रहा है जो दो हजार तेईस के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्में आई है उसमें ये करीबन सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पर सेवंथ हाईएस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अब बात करें ओ टी राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है वो सन टी को बेचे हुए ओ राइट्स टी राइड्स अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे हुए है जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में सॉरी सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज़ के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिसो जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडीपेली ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पेदीपेली हरी और आशीसो सोलमन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए Okay. Exactly. म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज़ के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमाज और पीवीपी वी सिनेमाज के नीचे इस फिल्म को 200 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से ऑन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जैंट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थड़ानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फ़िल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड है योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सनमुग नाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हरसू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया, दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गिस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिशा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते विजय की छाछठ फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर तो पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ छब्बीस सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसी पैदी पेली इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिल प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डिरेक्टर वामसी पेडी केवेली की थोला फिल्म के बाद दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म में मेकर्स जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज़ करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीज़ें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफ़ी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वमसी पैडी पेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गर ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहाँ से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शामिल योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था छः अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में सी क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लद्दाख, इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट से ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी जिमिकी पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने या हुआ है वहालैवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको सिर्फ उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहां पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से से वो फैमिली दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कुछ ऐसी चीजें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीजें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर है पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली फेमिली क्या है और उसको सोल्व कैसे करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर ते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी काफी बढ़िया थे वन अच्छी तरह तरह से से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस था वहीं पे जिस से सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीज़ों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी सीन थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था शरद श्रीकांत संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रेडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन्स थे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व वे में राइटिंग की गई थी खासकर देखा जाए तो प्रकाशर का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस इस फिल्म फिल्म का है उसको भी थोड़ा बेटर वे में में किया जा सकता था ने काफी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफी मैग्निफिशेंट नजर आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीजों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नजर आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीजों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एक टॉप परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से लिवेट किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फार्मूला बेस्ड स्टोरी लेके वही रूटीन वे में चीजों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें उस थोड़ा वो चेंजेस लाते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिसू या वारासोड़ू ये फिल्म एक पासिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशंस सभी चीजें देखने को मिलेगी तो ये अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर

पचास करोड़ में सेटेलाइट डिजिटल ऑडियो डबिंग राइट्स को बेचते हुए को बना लिए थे वहीं पर एक करोड़ इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स प्री रिलीज बिजनेस बिका हुआ था सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म के तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पे इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टीवी के ओटीटी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे थे, पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया जंप लिया थर्ड डे के ऊपर करती हुई नजर आई वीकेंड एक हेल्दी हासिल किया उसके बाद में इस फिल्म ने एक थोड़ा लंबा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेक लेने में यह फिल्म कामयाब हुई अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो उससे पहले बता दू फिल्म ने करीबन दो करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे तीन सौ करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन रहा है जो 2023 के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्में आई है उसमें ये करीबन सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुई है वहीं तमिल फिल्म भी साबित हुई है वर्ल्ड वाइड लेवल पर और विजय के करियर की वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अब बात करें ओटीटी सेटेलाइट राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहां पे उन्होंने सैटेलाइट राइट्स है सन टीवी को बेचे हुए ओटीटी राइट्स Amazon Prime Video को बेचे हुए जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में सॉरी सन टी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिस जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडीपेली ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पेडीपेली हरी और आशीसो सोलमन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट टी सीरीज के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा और वी पी सिनेमा के नीचे इस फिल्म को दो करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से ऑन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जॉन्ट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड है योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सनमुगनाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हर्षू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गीस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिशा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते विजय की छाछठ फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ 26 सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसी पैडी पेली फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिलराजू प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डिरेक्टर वामसी पेडी के की थोला के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म में मेकर्स से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीज़ें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफ़ी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वमसी पैडी पेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गर ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बात इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन, उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शामिल योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था छः अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में से क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग, अलग अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रेक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ विजय यानी कि थलपते विजय ने गाया हुआ है थी तलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने हुआ है वहालैवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमनेश और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको सिर्फ उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्र सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है है, इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली इश्यू क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नज़र ते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफ़ी बढ़िया थे वन अच्छी तरह तरह से से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी था वहीं पे, जिस सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीजों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी सीन थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया हुआ था श्रीकांत संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है हाँ, फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो, फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रेडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन थे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व वे में राइटिंग की गई थी खासकर देखा जाए तो प्रकाश का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफेक्स है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता एक फेस्टिव वाइब देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस इसका एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफ़ी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेके वही रूटीन वे में चीजों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते हैं और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशन सभी चीजें देखने को मिलेगी तो एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर राइट साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थियल राइट्स पैतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टीवी ओटी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहां पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन

सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पर सेवंथ हाईएस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अब बात करें ओ सैटेलाइट राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है वो सन टी को बेचे हुए ओ राइट्स टी राइड्स अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे हुए है जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा ते... तमिल वर्जन में सॉरी सो, सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज़ के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिसो जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडीपेली ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पेडीपेली हरी और आशीसो सोलमन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए Okay. Exactly. म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज़ के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमाज और पीवीपी सिनेमाज के नीचे इस फिल्म को 200 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से ऑन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जॉन्ट मूवीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थड़ानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फ़िल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड है योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सनमुग नाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हरसू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गिस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिशा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते विजय की छाछठ फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ छब्बीस सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसी पैदी पेली इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिल प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डिरेक्टर वामसी पेडी केवेली की थोला फिल्म के बाद दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म में मेकर्स जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज़ करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीज़ें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफ़ी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वमसी पैडी पेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गर ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहाँ से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शामिल योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था छः अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में सी क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लद्दाख, इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रेक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी जिमिकी पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने हुआ है वहालैवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमनेस और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको सिर्फ उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्रन सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आ है, इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली इश्यू क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर नजर आते हैं उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी बढ़िया थे वन अच्छी तरह तरह से से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी था वहीं पे जिस सेंटिमेंट सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीजों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था शरद श्रीकांत श्याम संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है फिल्म हाँ, फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रेडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन थे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व वे में राइटिंग की गई थी खासकर देखा जाए तो प्रकाशर का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस इस फिल्म फिल्म का है उसको भी थोड़ा बेटर वे में में किया जा सकता था ने काफी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफी मैग्निफिशेंट नजर आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीजों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नजर आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी सभी चीजों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एक टॉप परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से लिवेट किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था 20 मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेके वही रूटीन वे में चीजों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें उस थोड़ा वो चेंजेस लाते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिसू या वारासोड़ू ये फिल्म एक पासिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली इमोशंस सभी चीजें देखने को मिलेगी तो ये एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर

पचास करोड़ में सैटेलाइट डिजिटल ऑडियो डबिंग राइट्स को बेचते हुए को बना लिए थे वहीं पर एक करोड़ इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स प्री रिलीज बिजनेस बिका हुआ था सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म के तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पे इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छः करोड़ में बेचे गए थे वहीं पे ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टीवी के ओटीटी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया उसके बाद में सेकंड डे के ऊपर फिल्म ने और जंप लिया थर्ड डे के ऊपर फिल्म और बेहतर में करती हुई नजर आई वीकेंड एक हेल्दी हासिल किया उसके बाद में इस फिल्म ने एक थोड़ा लंबा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे हिट का टेक लेने में ये फिल्म कामयाब हुई अब बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो उससे पहले बता दो फिल्म ने करीबन दो करोड़ के पर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे तीन सौ करोड़ से ज्यादा का का इस फिल्म कलेक्शन रहा है जो 2023 के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्में आई है उसमें ये करीबन सेकंड हाईएस्ट हाइएस्ट इंडियन फिल्म में शामिल हुई है वहीं पर साबित हुई है वर्ल्ड वाइड लेवल पर विजय के करियर की वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अब बात करें ओ टी राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी को बेचे हुए वो ओटीटी राइट्स Amazon Prime Video को बेचे हुए जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में सॉरी सन टी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिसो जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडी पेली ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पे पेली हरी और आशीसो सोलोम ने किया हुआ है इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज़ ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एसएस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज़ के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमाज़ और पी वी पी सिनेमाज के नीचे इस फिल्म को दो सौ करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से ऑन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज़ बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था

वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त आसनमुगनाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हर्षू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गीस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिषा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हुए विजय की छाछवी फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर पर तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ छब्बीस सेप्टेम्बर दो को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पर बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसी पैडी पेली फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिल प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेडी के लिखिए थोला फिल्म फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म में से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीजें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वमसी पैडी पेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और असुर, असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गन ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ये एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो 2021 में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा, इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन, उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शाम योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में सी क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापिस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा का समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पे भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस बाईस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वजन के राइट से ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि तलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती तलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस टी आर ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वहालेवा वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमनेस और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्रन सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली क्या है और उसको सोल्व कैसे करते वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर ते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी काफी बढ़िया थे वन अच्छी तरह तरह से से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस था वहीं पे जिस सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी काफी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीज़ों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड हाफ को भी काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया हुआ था श्रीकांत संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है हाँ, फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म, फिल्म की जो कहानी है वो वही रूटीन प्रिडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन थे उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व वे में राइटिंग की गई थी खासकर देखा जाए तो प्रकाशर का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफेक्स है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नजर आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमानेस इसका एक अपनोज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी सबसे अच्छी तरह से सेट किए हुए काफ़ी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉप अप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेके वही रूटीन वे में चीज़ों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते हैं फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल फिल्म एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली सभी चीजें देखने को मिलेगी तो एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टीवी के ओ टी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहां पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन

सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पर हाँ सेवंथ हाईएस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुए तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पांस मिला था अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है वो सन टी वी को बेचे हुए ओ टी टी राइड्स अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे हुए है जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा ते... तमिल वर्जन में सॉरी सो, सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वारिसो जो 2023 की के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ वामसी पे ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पैदी पेली हरी और आशीसो सोलोमन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमाज और पी वी पी सिनेमा

अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ, हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था

वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सन्मुग देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हार्सू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गीस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिषा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते विजय की छाछवी फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर तो पर तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ छब्बीस सेप्टेम्बर दो को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पर बताया गया था पैडी पेली यानी कि वामसी पैडी पेली फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिलराजू प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेडी के लिखी थोला फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म में से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीजें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वंशी पेडीपेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और असुर, असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गर ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ये एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने तमिल फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो 2021 में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की बा इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन, उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शाम योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में से क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज़ हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा का समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस बाईस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट से ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती तलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस टी आर ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वाले गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमनेस और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको सिर्फ उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्र सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है इन पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली इश्यू क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बना ती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रो करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उनके किरदारों में जो जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता वो सभी चीज़ें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी बढ़िया थे वन लाइन अस अच्छी तरह से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रैक्टिव था वहीं पे

फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है उसको छोटा किया जा सकता था क्योंकि फिल्म की जो, फिल्म की की जो जो कहानी है है वही रूटीन प्रेडिक्टेबल है। उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व वे में राइटिंग की गई थी खास करके देखा जाए तो प्रकाश रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वेफ है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नजर आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमानेस इसका एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफ़ी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉपअप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेके वही रूटीन वे में चीज़ों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते हैं फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिसम फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो ये एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर इस फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टी वी के ओ टी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया उसके बाद में सेकंड डे के ऊपर में में टेक लेने में ये फिल्म कामयाब हुई अब बात करें ओ टी राइट्स के ऊपर तो उससे पहले बता दू फिल्म ने करीबन दो करोड़ के ऊपर के साथ बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे तीन करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन रहा है जो दो के अभी तक जितनी भी तमिल फिल्म आई है उसमें ये करीबन सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पे हाइस्ट सेवंथ हाईस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पांस मिला था अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है वो सन टी वी को बेचे हुए ओ टी टी राइड्स अमेजोन प्राइम वीडियो को बेचे हुए है जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा ते... तमिल वर्जन में सॉरी सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि वारिस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे वारिसो जो 2023 के इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पे डी ने स्टोरी आइडिया वामसी का ही था जिसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले वामसी पे डी पेली हरी और आशीसो सोलोमन ने किया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केएल ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट ने थमन एस ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए yeah exactly. म्यूज़िक के राइट्स टी सीरीज़ के पास है जिन्होंने बड़ी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा सिनेमाज़ और पीवीपी वी सिनेमाज़ के नीचे इस फिल्म को 200 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाया हुआ है इस फिल्म को तमिल वर्जन में से स्क्रीन स्टूडियो रेड जॉइट मूवीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वहीं पर तेलुगु वर्जन दिल राजू के द्वारा रिलीज करवाया गया था फिल्म का हिंदी वर्जन गोल ने प्रेजेंट किया हुआ था ए मीडिया के द्वारा यानी कि ए एंटरटेनमेंट यानी कि अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को अच्छे खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा हुआ था अब हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की सॉरी अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के बारे में तो विजय यानी कि थलपति विजय आपको विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार आपको राजेंद्र पलानी स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे जो विजय के फादर थे जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की माँ थी श्रीकांत ने इस फिल्म में जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का फर्स्ट एल्डर ब्रदर था वहीं पर सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का सेकंड एल्डर ब्रदर था प्रकाश राज आपको जय प्रकाश यानी कि जेपी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने इस फिल्म में डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल प्ले किया हुआ है जो है जो राजेंद्र का बेस्ट फ्रेंड योगी बाबू ने किच्चा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेंकट रमन को इस फिल्म में मुकेश का रोल दिया गया था संकेत क्रिस को इस फिल्म संगीता क्रिस को इस फिल्म में आरती का रोल दिया गया था जा जो जय की वाइफ है और दिव्या की सिस्टर है वहीं पे इस फिल्म में आपको संयुक्त सनमुग नाथन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अजय सॉरी सो, उन्होंने अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले संजना तिवारी जिन्होंने रिया का रोल प्ले किया हुआ है जय और आरती की डॉटर थी वो अद्वेत विनोद को इस फिल्म में अजय के बेटे का रोल दिया गया था हर्षिता कार्तिक को इस फिल्म में हार्सू का रोल दिया गया था जो अजय की डॉटर थी मेम गोपी को इस फिल्म में यूनियन लीडर का रोल दिया गया था पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ है नंदिता राय को स्मिता का रोल दिया गया था मैथ्यू वर्गीस मैथ्यू के रोल में देखने को मिलेंगे सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है निमिषा नेम्बियर को इस फिल्म में गौतम की वाइफ का किरदार

ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन में बात करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हुए विजय की छाछवी फिल्म थी एज अ लीड रोल के तौर तो पे तो वर्किंग टाइटल थलपट्टी सिक्स के साथ 26 सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था पैडीपेली यानी कि वामसी पैदी पेली फिल्म को डिरेक्ट करेंगे और तमिल फिल्म होने वाली है ये जिसको दिलराजू प्रोड्यूस करने वाले और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के नीचे फिल्म के डिरेक्टर वामसी पेडी केवेली की थोला के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो वो तमिल लैंग्वेज में बना रहे थे वैसे दोनों फिल्मों को उन्होंने तमिल तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म में मेकर से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे रिलीज़ करने का फैसला लिया था पहले पर कोविड आ गया था जिस वजह से चीज़ें बाद में पोस्टपोन की गई थी और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में विजय ने काफ़ी अच्छी खासी प्राइज ली हुई है फिल्म के लिए इसके अलावा ये फिल्म दो अलग अलग पीरियड में देखने को मिलेगी वमसी पैडी पेली ने स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है हरी और असुर सोलोमोन ने मदद की हुई है इस तरह से राजू मुर्गर ने डायलॉग लिखे हुए थे तो ये सभी चीज़ें बाद में पता चली थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहले ही एक तेलुगु फिल्म होने वाली थी जिसमें शायद महेश बाबू देखने को मिल सकते थे उसके बाद अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से बाद में फिल्म ने फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने का फैसला लिया और विजय को लीड रोल में लेने का फैसला लिया उसके बाद में प्रकाश राज रश्मिका मंदना इन सभी लोगों को कास्ट किया था वैसे रश्मिका मंदना इस फिल्म में पहले नहीं होने वाली थी उनकी पहली फिल्म सुल्तान जो दो में तमिल फिल्म आई थी वहां से बाद में उनको अप्रोच किया था अदरवाइज पूजा हेगड़े को लेने की इनिशियली बात चल रही थी लेकिन उनके पास उन उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बिष्ट नाम की फिल्म की हुई थी उस वजह से उन्होंने उस फैसले को चेंज किया मेकर्स ने और बाद में रश्मिका को इस फिल्म में लिया गया था और बाद में शामिल योगी बाबू श्रीकांत संगीता क्रिस खुशबू इन सभी लोगों को अपने अपने किरदारों के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था छः अप्रैल दो को चेन्नई से और उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे एक सेट ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में से क्रिएट किया गया था जहाँ पे उसको करीबन लंबे टाइम तक शूट किया था उसके बाद में लोकेशन चेंज करते हुए हैदराबाद में फिल्म को शूट किया था कोविड की वजह से फिल्म बार बार पोज हो रही थी वापस ओपन हो रही थी जिस वजह से फिल्म का रेगुलर टाइम से ज़्यादा समय लग गया उसके बाद में विशाखापट्टनम में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इंडिया के अलग अलग, अलग लोकेशन लडाख इन सभी जगह पर भी इस फिल्म को शूट किया गया था जिस वजह से इस फिल्म एक लंबा टाइम लगा था और पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करने में दिसंबर मंथ आ चुका था इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो थमन एस एस ने म्यूजिक दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हुए दो हजार इक्कीस बाईस में गानों को रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज के पास इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट से ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है रंजिता में गाना है उसको विजय और एम एम मानसी ने गाया हुआ है विजय यानी कि थलपते विजय ने ही गाया हुआ है ती थलपति को सिलंबर हसन यानी कि एस टी आर ने गाया हुआ है सोल ऑफ वारिस को के एस चित्रा ने गाया हुआ है जिमी की पोनो गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिका गांधी ने गाया हुआ है वहा गाने को शंकर महादेवन कार्तिक दीपक ब्लू थमनेस और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने थे जिसको क्रिएट किया गया था जिसको आप इस फिल्म में सुन सकते हो अदरवाइज इसको उसी उस गानों के तौर पर सुनना चाहते हो तो तमिल वर्जन में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्रन यानी कि शरद कुमार एक रिनोट बिजनेस है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को देना चाहते हैं उनके टोटल तीन बेटे जहाँ पे एक का नाम है शाम दूसरे का नाम है श्रीकांत और तीसरे का नाम है विजय राजेंद्रन सॉरी विजय राजेंद्र जो विजय रोल प्ले कर रहे लेकिन उसके उसके फादर के साथ थोड़े इश्यू चल रहे जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता है राजेंद्र बाद में अपने दो बेटों में से एक को ये प्रॉपर्टी देने का फैसला करता है लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिस वजह से फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है उसके बाद में ये सभी चीज़ें विजय को पता चलती है वो फिर से फैमिली में आता है यानी कि घर आता है है इन्स पूरी फैमिली को एक करने की कोशिश करता है अब विजय किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करेगा आखिर में फैमिली क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है तलपते विजय हर बार की तरह इस बार भी प्रूव करते हुए नजर आते कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी फिल्म कैसे चल जाती है उसके उनके किरदारों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनकी परफॉर्मेंस में जो एक नीटपन देखने को मिलता है वो सभी चीजें उन्होंने बखूबी डिलीवर की हुई है वो एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा में एक्टिंग करते हुए नजर ते उनकी एक्टिंग काफी सुपर थी डांस पंच काफी डांसेस मूव्स काफी अच्छे थे पंच डायलॉग काफी काफी बढ़िया थे वन अच्छी तरह तरह से से डिलीवर किए हुए उनका स्क्रीन प्रेजेंस था वहीं पे जिस से सीन में वो आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे वो पूरी तरह से वर्क कर जाएगा उनकी कॉमेडी भी काफ़ी बेहतर वे में वर्क करती है इमोशनल डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते ओवरऑल सभी चीज़ों को काफी परफेक्ट वे में डिलीवर किया हुआ है काफी सारे इमोशंस को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था दूसरे आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म में को भी काम किया हुआ है जहां पे योगी बाबू विजय के बीच में जो कॉमेडी थे वो काफी बढ़िया थे सेकंड संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है जो वो वही रूटीन प्रिडिक्टेबल है उसमें कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से जो कुछ अननेसेसरी सीन है उसको चॉप अप किया जा सकता था स्क्रीन प्ले को थोड़ा बेटर किया जा सकता था कुछ एक्टर्स के जो किरदार लिखे हुए वो काफी पूर्व वे में राइटिंग की गई थी खासकर देखा जाए तो प्रकाश का रोल जिस तरह से लिखा हो तो उसको बेहतर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का इस फिल्म में इतना कुछ खास काम है नहीं गानों को और कुछ एक दो डायलॉग के अलावा अदरवाइज इस फिल्म का वे है उसको भी थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था दिल राजू ने इस फिल्म में काफ़ी बड़ा खर्चा किया हुआ है एक अच्छे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिशेंट नज़र आ रही थी विजुअल्स और कलरफुल जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया होता है एक फेस्टिव वाइब देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की थी इन सभी चीज़ों को बखूबी शोकेस किया हुआ है आई कैंडी मैनर में उन्होंने सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस इसका एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जो फिल्म का ट्रोन था जो फिल्म की थीम थी उसके अच्छी हिसाब से अच्छी तरह से सेट किए हुए काफ़ी गाने पॉपुलर भी हुए इसके अलावा इस फिल्म में विजय के साथ कुछ सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसको जिस तरह से किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो बढ़िया था एडिटिंग को बेहतर किया जा सकता था बीस मिनट जितना इस फिल्म को चॉपअप किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म में फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेके वही रूटीन वे में चीजों को सेफ वे गेम के साथ खेलते हुए नजर आते अगर उसमें थोड़ा वो चेंजेस लाते हैं फिल्म और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिसम फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विजय का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके द्वारा कॉमेडी फैमिली सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे देखी जा सकती है हाँ रन टाइम थोड़ा बड़ा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज विजय के फैन हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज करवाया गया था ग्यारह

तमिलनाडु के लिए सत्तर करोड़ में मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर राइट्स खरीदे हुए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स बीस करोड़ में बिके थे कर्नाटक केरला इन जगह पर फिल्म के राइट्स साढ़े सात और साढ़े छह करोड़ में बेचे गए थे वहीं पर ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स पैंतीस करोड़ में बेचे गए थे हिंदी डबिंग राइट्स जो टीवी के ओ टी टी सभी के साथ है वो करीबन चौतीस करोड़ में बेचे गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी वजन के राइट्स बेचे गए थे जहां पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक बेहतरीन ओपनिंग फिल्म को मिली हुई थी जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन

सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म में शामिल हुए वहीं पे हाइस्ट सेवंथ हाईस्ट तमिल फिल्म भी साबित हुए वर्ल्ड वाइड लेवल पे और विजय के करियर की वन ऑफ़ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पांस मिला था अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स की तो वो राइट्स खरीदे हुए अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे उन्होंने सेटेलाइट राइट्स है वो सन टी वी को बेचे हुए ओ टी टी राइड्स अमेजोन प्राइम वीडियो को बेचे हुए है जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू मलयालम कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको जेमिनी टी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में सॉरी सो, सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की मूवीज के चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वारिसो फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो उसको ऑफिशियली आप देख सकते हो Amazon Prime Video के ऊपर विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा और हिंदी वर्जन में तो इस फिल्म को आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी प्री प्रोडक्शन की बातें थी जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कैसे कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत की हुई इस फिल्म के प्रोडक्शन के अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर जानकारी दी हुई है फिल्म के स्टारकास्ट के बारे में बातचीत की हुई फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा की हुई जहाँ पे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन सभी चीजों के ऊपर भी बातचीत कर लिए साथ ही में इस फिल्म के जुड़े जितने भी जो आर्टिस्ट थे जितने भी जो फैक्ट्स थे वो सभी चीज़ों के ऊपर हमने बात कर लिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू